बताओ 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 सर, आज चुनाव है, वोटिंग करने के लिए आप आए हैं, क्या कुछ रहेगा? एनडीए दावा कर रहा है कि मत नहीं लगाने आता है। दावा तो सब लोग करता है, बगल में नहीं देख रहे, लेकिन माहौल जो है, जो जनप्रतिनिधि इसमें वोटर्स होते हैं, वो लोग मौजूदा सरकार से बड़े नाखुश हैं। अगर वार्ड सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनसे योजना जो है सरकार ने छीना है, तो इस बात को लेकर के बड़ी नाराज़गी वार्ड सदस्यों में है जो जनप्रतिनिधि होते हैं। और इस बार काफ़ी पंचायत स्तर पे अपने विचारधारा के लोग जो हैं बड़ी संख्या में चुनाव जीत करके आए हैं, जो हमारे अपने समीकरण के हैं। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। चलिए, कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, देख रहे हैं कि लूट हत्या विरोधी हो रही है, नीतीश कुमार कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। जितने बैठकें होती हैं केवल दिखावटी होती है, किसी पर कार्रवाई नहीं होती। और आप देख रहे हैं, हम तो पहले भी कहते रहे, बिहार में हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, कोई उनके घर में जाके कोई घूसा मार दे, उस पर भी किसी बड़े अधिकारी पर अगर कार्रवाई हुई हो तो बता दो। हमने दावा किया था कि इतनी बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री को कोई जाके घूसा मार दे और किसी अधिकारी पर कार्रवाई ना हो, छोटे मोटे सिपाहियों पर निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं इनका मन इसलिए तो बढ़ रहा है। आप बताओ, तो मर्डर रेप हो रहा है तो किसी अधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बरतने के लिए अगर आप जो है कसिएगा नहीं, टाइट नहीं कीजिएगा, तो वो तो मनमर्जी बिहार के डिप्टी सीएम ये बोल रहे हैं कि योगी मॉडल की जरूरत है, बिहार के डिप्टी सीएम बोल रहे हैं योगी मॉडल की जरूरत है, योगी मॉडल की जरूरत है, आज का समर्थन किया है आरजेडी को कुछ सीटों पर। अपने आप को यानी वो काबिल नहीं समझते, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते, तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। यानी ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में मुख्यमंत्री पद की या काम करने की किसी में काबिलियत नहीं है। अब जिस राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में सरकार हो और सबसे बड़ी पार्टी हो, एक भी कोई काबिलियत ही नहीं है, यानी वही कर रहे हैं, तो हाथ खड़ा करना हुआ ना, सरेंडर्ड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।